नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज हमारे स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर रूप सिंह। आज हम उनसे जानेंगे कि आज भिवाड़ी का क्या है हेल्थ बुलेटिन। जी सर, नमस्कार आप सबको। सर, भिवाड़ी में हॉटस्पॉट की क्या खबर है? सर देखिए, वैसे तो बहुत खबर है। पिछले 35 दिन से भिवाड़ी में लगातार मॉनिटरिंग के कारण और यहाँ की प्रशासनिक और समाजसेवी संस्थाओं के कारण कोई भी सिंगल पॉजिटिव केस नहीं है। जो 60 के लगभग प्लेसेस पर CMHO साहब के निर्देश पर यहाँ की गवर्नमेंट टीम हॉट स्पॉट्स को विजिट कर रही है, वहीं सैंपल ले रही है। लगातार 2 एम्बुलेंस ये कार्य कर रही हैं। 60 ANM को CSC पे बुलाकर प्रशिक्षित किया गया। डॉक्टर KK शर्मा और उनके समस्त साथी इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी तक किसी हॉट स्पॉट का कल शाम तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। जी सर, जो स्टेट से बाहर जो श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं जो बाहर से आ रहे हैं? मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान जैसा कि रिको के सहयोग से 13 पॉइंट का प्रोग्राम उन इंडस्ट्रीज को दिया गया था कि वो मिनिमम श्रमिकों की संख्या के साथ इंडस्ट्री को चलाएं। बहुत मेहनत कर रही है इंडस्ट्री, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन बावजूद उसके कठिन है, कुछ आउट ऑफ स्टेट के श्रमिक आ गए हैं या आने की मंशा रखते हैं, उनके लिए साफ साफ से पुलिस के निर्देश हैं कि अभी आउट ऑफ स्टेट के श्रमिकों को भिवाड़ी में अलाउ नहीं किया जाएगा। कल इस बाबत और मीटिंग होगी तो BMA में नियमों की और क्लियर हो जाएंगे। पर मुझे खबर है कि कुछ इंडस्ट्रीज के जो आउट ऑफ स्टेट हॉट स्पॉट से UP से जो केसेज आए थे उनके पड़ोसियों ने उनकी शिकायत की है, फिर मेडिकल टीम गई है, फिर उनको हॉस्पिटल में लाके सैंपल किए गए हैं। तो इस सारी असुविधा से बचने का बेहतर कार्यक्रम है कि आप अभी आउट ऑफ स्टेट के श्रमिकों को ना बुलाएं। सर, भिवाड़ी में COVID-19 की टेस्टिंग प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? सर, जैसा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 दिन पर रैपिड टेस्ट पर तो रोक लगाई दी थी, तो रैपिड टेस्ट कहीं पर भी नहीं हो रहे हैं। नॉर्मल नेजल स्वैब और गले के स्वैब से जो टेस्ट है वो अभी भी चल रहे हैं। आज दिनांक 26 को अभी तक लगभग 6 सैंपल हो चुके हैं और 4 बजे तक 2-3 और हो जाएंगे और उन सबको रोज अलवर भेजा जा रहा है। सर, हरियाणा के से जो लोग आ रहे हैं, जो मरीज आ रहे हैं, उनको आप कैसे कवर कर रहे हैं? सर बड़ी कठिन स्थिति है, कई बार नियर डेथ पेशेंट आते हैं, कई बार बहुत गंभीर अवस्था का मरीज हरियाणा का होता है राजस्थान में आ जाता है। हम एक बॉर्डर प्लेस हैं जहां पर कई बार तो खुद लाने वाले को ही पता नहीं होता कि मैं अभी हरियाणा में हूं कि राजस्थान में हूं। ऐसी 2 डेथ हुई हैं, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई हैं। उनको अगर समय पर शायद कोई आवश्यकता अनुसार दवाई उपचार मिल जाता, जो कोशिश भी की हमारे डॉक्टरों ने, लेकिन हरियाणा से आने वाले मरीजों को आपके कार्यक्रम के थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं वो अपने निकटतम तावड़ू या दारूवेड़ा या रेवाड़ी की सेवाएं लें। नाहक परेशानी में कई बार समय जाया होता है। अभी तक हरियाणा के रोगियों को यहाँ केवल इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके अपने पेरेंट स्टेट में ही भेजा जाने की पॉलिसी है। सर, भिवाड़ी की जो कंपनियाँ हैं उनके लिए BMA क्या तैयारियाँ कर रही हैं और कंपनियों के लिए? जैसा कि हमारे यहाँ आदरणीय नीलाब जी और डॉक्टर IPS डॉक्टर अमनदीप शर्मा जी जो एक टीम बने हुए हैं, वो हमारे टीम लीडर हैं। एंटी कोरोना एक्शन टीम के मुताबिक कंपनियों को एक प्रोटोकॉल दिया था। मॉडिफाइड प्रोटोकॉल को लागू करने वाले और नगर परिषदी क्षेत्र से बाहर चलने वाली बस जो अफोर्ड कर सकते हैं उन कंपनियों को अलाउ भी किया है। बड़ी कठिन परिस्थितियों में हिम्मत करके कंपनियाँ चल भी रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी राजस्थान के चाहते हैं कंपनियाँ चलें, लेकिन फिर भी शायद जो स्टेप लिए जाने चाहिए और जरूरत है कोऑर्डिनेशन की। उद्योगपति, रिको, फैक्ट्री बॉयलर, पुलिस, डॉक्टर टीम, ये सब मिलके एक मीटिंग रख रहे हैं कल यानी 27 को सोमवार को शाम को 4 बजे BMA में ये मीटिंग प्रस्तावित है, जिसमें समूचे अधिकारी भी होंगे और कंपनियों ने जो जो प्रोटोकॉल अपने यहाँ लागू किया है, लागू किया जा सकता है। छोटी कंपनियों में अलग होगा, बड़ी कंपनियों में अलग होगा, तो कुछ इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी प्रशासन की इसमें मदद करेंगे। पूरे कंपनी एरिया में लगभग 60 एम्बुलेंसेज हैं, अगर वो अपने आसपास के 10 किलोमीटर में भी प्रशासन की मदद करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान का जो बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, हम सब एक टीम मिलकर कल शाम को 4 बजे BMA की एक मीटिंग में आदरणीय नीलाब जी और डॉक्टर अमनदीप जी के नेतृत्व में हम कुछ न कुछ जरूर अच्छा करेंगे ताकि भिवाड़ी सेफ भी रहे और उद्योग भी चले। सर, जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 64वें मन की बात कही है, तो इसमें भिवाड़ी के लिए कुछ बातें हैं जो भिवाड़ी से संबंधित हों? माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ी बेताबी से लोग उनके मन की बात के कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे।
भिवाड़ी के संदर्भ में उनकी बातों का जो मतलब हमें समझ में आया, एक तो उन्होंने बहुत अच्छी बात पूरे राष्ट्र को कही है, लोग यहाँ ना सोचें कि हमारे एरिया में अभी पॉजिटिव नहीं आया है, मेरी गली में नहीं आया है, मेरी सोसाइटी में नहीं आया है, उनको लापरवाह होने की गलती से बचें, दूसरे देशों में इस गलती का भारी भुगतान हुआ है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जैसे स्तर से ये बात आना दिखाता है कि कोविड वायरस सच में बहुत गंभीर है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अलवर और भिवाड़ी का प्रशासन भी बधाई का पात्र है कि वो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा है। आज रविवार है, रविवार दोपहर बाद के समय है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमने फ़ोन किया, नगर परिषद और बीड़ा का ऑफिस कार्यरत है, वो अब भी काम कर रहे हैं। सीएससी से मैं खुद आ रहा हूँ, सारे डॉक्टर टीम और एम्बुलेंसेज ऑन वर्क हैं। एमएलए साहब और चेयरमैन नगर परिषद अभी अभी आपके टीवी 24 से गए हैं, कमिश्नर नगर परिषद अपने फील्ड में है, तो मैं समझता हूँ भिवाड़ी इसको हल्के में नहीं ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रमजान के लिए भी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई दी और उन्होंने अपील की घर में इबादत करें, बल्कि डबल इबादत करें कि अल्लाह हमारे इससे भी रक्षा करे, इस कोरोना वायरस से रक्षा करे। आज अक्षय तृतीया भी है, सारे हिंदू धर्मावलंबियों को उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो धार्मिकता का उपयोग कोरोना के संदर्भ में किया जा सकता है, जैसा कि हिंदू मानते हैं अक्षय तृतीया को दिया हुआ दान बहुत अक्षय हो जाता है, जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को दिया था एक अक्षय पात्र, तो इस हिसाब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड या सीएम केयर फंड के लिए भी लोगों से अपील की कि औरों की सहायता अगर आज के दिन की जाए तो वो अक्षय हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में कही। एक और बात जो पीएम स्तर से लोगों को कही कि लोग अपने थूकने की आदत और अपनी स्वच्छता की आदत इसको जरूर ध्यान से देखें, आने वाले समय में कोरोना कोई भाग नहीं जा रहा है। अपने हाइजीन हाथों को धोने की, मुंह पर मास्क लगाने की, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने की आदतें हमें अपने जीवन में लेनी ही पड़ेंगी। लॉकडाउन उपचार नहीं है कोरोना का। लॉकडाउन में भयंकर तेज गति से आते हुए वार को हमने पोस्टपोन भर किया है, कोरोना दुनिया से कहीं जाएगा नहीं। धीरे धीरे इसको हमें सहन करने की, या यूं कहें कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसके साथ रहना सीख जाएं, अपनी जीवन शैली, कार्यशैली और जीवनचर्या में बदलाव कर लें, ऐसा मुझे प्राइम मिनिस्टर की मन की बात से सीखने को मिला। सर, तो कोविड-19 में और क्या बदलाव किए जा रहे हैं या फिर करने की तैयारी है? देखिए, निश्चित रूप से पूरे विश्व भर में ये जीवनचर्या और दिनचर्या को बदलने वाला वायरस आ गया है। आज जिस लेडी को वैक्सीन टेस्ट किया जा रहा था पश्चिमी देशों में, दुर्भाग्य से उसके भी मरने की खबर है, तो ये एक धक्का है। कह नहीं सकते कि कोई टीकाकरण या कोई उपचार तुरंत हमारे दरवाजे पर खड़ा है। तो दिनचर्या में ये बदलाव आएंगे कि लोगों को अब जीवन बहुत महत्वपूर्ण है ये समझ में आ गया है, तो अपने व्यायाम पर, अपने खान पान पर, अपने आचार विचार पर और अपने परिवार को टाइम देने लगेंगे। दूसरा, कार्यस्थल पर मुंह पर मास्क लगाना अब सभ्यता की निशानी माना जाएगा। पहले लोग कहते थे मुंह नहीं दिखाना है तो मास्क लगाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब नई नई फैशन कंपनियां नए नए तरह के मास्क ले आएंगे, पर मास्क और थूकने की दिनचर्या और हाथ धोने की दिनचर्या ये सभी लोगों की पहचान मानी जाएंगी। स्कूल, कॉलेज, हॉल आदि में आईटी का काम या दूरस्थ शिक्षा ये सडनली जीवन में शामिल हो जाएंगी, और हमारे जो पिछले भाई बहन इस आईटी से महरूम रह गए उनको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो जीवन बदलने वाला है, लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी कोरोना भी यही है, हम भी यही हैं, इन हालातों में हम कैसे निखर के आएं, ये मेरी आप सबसे अपील है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने का मतलब होगा वायरस मर गया, ये ठीक नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू टेलीविजन 24 टीवी, आप रोज हेल्थ बुलेटिन पहुंचा के हमारी समस्या को, बहुत बहुत प्रशासन को और जनता को मदद कर रहे हैं। आप अपना नंबर भी आगे आने वाली इंक्वायरीज के लिए प्रसारित करते रहें, उन्हें सारे उद्योगपतियों से, समाजसेवी संगठनों से, डॉक्टर टीम से निवेदन है कि कल बीएमए में 4 बजे एक मीटिंग है जिसमें एक वृहत डिस्कशन किया जाएगा नीलाब जी और एसपी साहब की उपस्थिति में, ताकि हम अपने क्षेत्र को और सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद।